दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि मोबाइल पर दो वीडियो चल रहा था, एक वीडियो जॉनी लीवर का ओरिजिनल था और एक वीडियो में जॉनी लीवर के जगह पे किसी दूसरे का फेस लगा हुआ था, लेकिन वीडियो जॉनी लीवर का ही था और उसके अंदर कॉमेडी भी है। मैंने आवाज को कम कर दिया है। यदि उस प्रकार का वीडियो आज आप अपने फेस का बनाना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि किसी भी डायलॉग में, किसी भी डायलॉग के हीरो के डायलॉग में या किसी भी गाने में हम हीरो के जगह पर अपना चेहरा चिपका दे जो देखने में बिल्कुल ही अच्छा लगे और गाना भी चले और कॉमेडी भी हो, लेकिन हीरो के जगह पर आपका चेहरा दिखाई दे, जो आप उस वीडियो को कहीं भी सोशल मीडिया पर डालकर लोगों को चौंकाना चाहते हैं, उस प्रकार की वीडियो यदि आप बनाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को उसी एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूं जिस एप्लीकेशन की मदद से आप बहुत ही आसानी से वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। जी हां फ्रेंड, अभी आप हमारे हाथ में देख रहे हैं किस फोन में आपको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को यहाँ से लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी के बगल में घंटी का बटन है, इस घंटी के बटन पर दबाकर ऑल के ऊपर में क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन का वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको कैटेगरी भी दी हुई है कि आप किस कैटेगरी में वीडियो बनाना चाहते हैं। यहाँ पे डायलॉग है, यहाँ पे लव है, यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं म्यूजिक है, यहाँ पे हॉट्स है, यानी कि आपको वीडियो कैसा बनाना है। तो फ्रेंड मान लीजिए कि आपको ये जो कपिल शर्मा का वीडियो है, इस कपिल शर्मा जैसा यदि आप चाहते हैं कि कपिल शर्मा के जगह पे हमारा चेहरा चिपक जाए, उस प्रकार का वीडियो आप बनाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ऐसा वीडियो बनाना है। तो सबसे पहले जैसा भी वीडियो आपको बनाना है उस वीडियो पे आपको एक बार टैप कर देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे ही मैंने क्लिक किया तो कपिल शर्मा का ये जो शो है, इस तरीके का वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है। इसके अंदर आवाज भी आ रही है, मैंने देखिए आवाज को कम किया है। देखिए देखिए मैंने आवाज को कम कर दिया है, लेकिन जब आप वीडियो बनाएंगे तो आपके वीडियो में आवाज भी होगा। अब आपको अपना चेहरा कपिल शर्मा के चेहरे पर चिपकाना है, एकदम बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा तो कैसे चिपकाइएगा, तो ध्यान से वीडियो को देखिए। जैसे ही आप यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर एक प्लस का आइकन दिखेगा, यहाँ पे कॉर्नर में इस प्लस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड तो आपका जो कैमरा है, जो इस तरीके से कैमरा आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कैमरे से डायरेक्ट फोटो क्लिक करना है तो कैमरे से कीजिए, या नहीं तो यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन है, इस गैलरी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी फोटो गैलरी खुलेगी, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप अपनी गैलरी से जो फोटो लेना चाहते हैं उस फोटो को आप ले सकते हैं। तो मैं मान लीजिए इस लड़के के फोटो पे बनाना चाहता हूं, तो मैं इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो इसके फेस को ऑटोमेटिक ये क्या करेगा कि कैप्चर कर लेगा। उसके बाद में यहाँ पे गुड टू गो का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा देर सर्च होगा और फेस अपने आप वहां पर जाकर लग जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस बंदे का चेहरा आ जाएगा जिसका भी आपने चेहरा लगाया है। अभी तक चेहरा नहीं लगा हुआ है तो कैसे लगेगा, यहाँ पे आपको स्वाइप का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कुछ इस प्रकार से सर्च होगा और चेहरा को ऑटोमेटिक देखिए लगा देगा। कोई एड देखने को भी मिल सकता है तो आपको एड को पूरा देख लेना है। देखिए यहाँ पर एक ऐड चालू हो गया है, तो इस ऐड को स्किप नहीं करना है, पूरा देखिएगा तो ही आपका चेहरा जाकर वहां पर लगेगा। तो मैं ऐड देख लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कि जब मैंने पूरा ऐड देख लिया तो कपिल शर्मा का चेहरा हट गया और यहाँ पर देख सकते हैं किसी दूसरे का चेहरा लग गया। यहाँ पर देख सकते हैं कपिल शर्मा नहीं है, शो वही है, यहाँ पे आवाजें भी आ रही है। देखिए आवाज कपिल शर्मा का ही है लेकिन चेहरा जो है किसी और का लग गया। अभी मैंने जिसका चेहरा लगाया था उसका चेहरा यहाँ पर लग गया। अब रह गई बात कि यदि आप इस तरीके का वीडियो आप अपने मोबाइल से बना लेते हैं तो इसको आप किस तरीके से अपने फोन में डाउनलोड करेंगे। यदि आपको पोस्ट करना है तो पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो किसी भी सोशल नेटवर्क पे आप यहां से पोस्ट कर सकते हैं। यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड बटन पे आपको एक बार टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे तो यहाँ परमिशन अलाउ कराएगा, परमिशन अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ी देर के अंदर में ये जो वीडियो है आपके गैलरी में जाकर डाउनलोड हो जाएगा।
देखिए वीडियो सेव सक्सेसफुली, यानी कि ये जो वीडियो है आपकी गैलरी में जाकर डाउनलोड हो गया है। अब आप उस वीडियो को वहां से जाकर देख सकते हैं, वहां से किसी को सेंड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन द्वारा आप इस प्रकार की वीडियो बना सकते हैं, किसी भी हीरो हीरोइन के जगह पर आप अपना चेहरा चिपका सकते हैं। अब रह गई बात दोस्तों इस एप्लीकेशन का, तो इस एप्लीकेशन का नाम है हेलो। जी हाँ फ्रेंड, इस एप्लीकेशन का नाम आप देख सकते हैं, यही एप्लीकेशन है जिसका नाम हेलो। इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो प्ले स्टोर से भी आप जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर आप इस प्रकार का काम बहुत ही आसानी से अपने फोन में कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।